नमस्कार। तो जो नेता कल तक पंजाब में भंवर को सुलझा रहे थे, आज वो खुद उत्तराखंड में इस भंवर को उलझा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है, उत्तराखंड का सबसे हॉट टॉपिक है। लगातार हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के इतने बड़े नेता के अंदर आज कांग्रेस खत्म होती हुई क्यों नजर आ रही है। लगातार हम उस बातचीत पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों हरीश रावत सरीखे नेता, इतने बड़े नेता जो कल तक कांग्रेस को अपनी माँ बताते थे, आज वो कांग्रेस से नाराज क्यों है। ये नाराजगी किस लेवल की है, नाराजगी का ग्राफ क्या है, नाराजगी क्या टेम्परेचर क्या है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्या हरीश रावत जी जो अब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, हम आपको बार बार बता दें एक बात कि जिस तरीके से, जिस तेजी से हमारा प्रोग्राम आगे जा रहा है, उसी तेजी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली की ओर जा रहे हैं। दिल्ली में जा रहे हैं, कल मीटिंग होगी, 10 बजे के बाद फाइनल होगा कि आखिर हरीश रावत जी को मना लिया गया, वो मान गए या नहीं माने। तो इसके पीछे कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं, माहौल गर्म है, उत्तराखंड की सियासत भी गर्म आ गई है सिर्फ 3 ट्वीट की वजह से। तो 3 ट्वीट की वजह से जो उत्तराखंड की सियासत गर्माई है, उस पर बीजेपी का क्या टेक है ये सभी को पता है। आम आदमी पार्टी अभी तक कुछ खुलकर नहीं कहना चाहती, लेकिन कांग्रेस का खुलकर कहना है कि पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर नाराज हैं तो मना लिया जाएगा। ऐसे में अब चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए, क्या कांग्रेस की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। पंजाब में जिस गुटबाजी को दबाने के लिए हरीश रावत जी को भेजा गया था, अब वो उत्तराखंड में खुद गुटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है कि हरीश रावत जी नाराज क्यों हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा मंथन करने की स्थिति में आते हैं, तो पता लगता है कि हरीश रावत जी, कुछ लोग कहते हैं कि अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि हरीश रावत जी को सब कुछ सौंपा गया, हरीश रावत जी को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई, हरीश रावत जी के कहने पर उन्हीं के गुट के माने जाते हैं गणेश गोदियाल साहब, गणेश गोदियाल साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रीतम सिंह को साइडलाइन कर दिया गया। इसके साथ ही साथ प्रदीप टामटा की बात होती है, उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, इनको भी उपाध्यक्ष जब बनाया गया तभी कहा गया कि ये भी हरीश रावत गुट के आते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष होना, तो कैंपेन कमेटी को लीड कर रहे हैं हरीश रावत। तो सब कुछ A to Z उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत साहब के अंडर में है। लेकिन क्या अंडर में नहीं है जिससे हरीश रावत साहब नाराज हैं, वो है कि चुनाव से पहले पार्टियों के भीतर भी एक लड़ाई होती है और वो लड़ाई होती है टिकट के नाम फाइनलाइज करने में। ऐसे में हर नेता की अपनी अपने कथन होते हैं, हर नेता की अपनी अपनी टिप्पणी होती है, अपनी अपनी बातें होती हैं। ऐसे में हरीश रावत जिन चेहरों को टिकट दिलवाना चाह रहे थे, शायद उन चेहरों पर प्रीतम सिंह नहीं मान रहे थे, या और कोई भी ना मान रहा हो, या पार्टी आला कमान दिल्ली वाला वो ना मान रहा हो। तो ऐसे में यहां पर राड़ छिड़ती है, यहां का राड़ा है और उत्तराखंड में छिड़ा सियासी अखाड़ा है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए कमलेश उनियाल साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अनिल भास्कर साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और साथ ही साथ मनोज इस्टवाल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पूछता है उत्तराखंड में। ठीक है, मनोज इस्टवाल साहब, कमलेश उनियाल साहब और अनिल भास्कर साहब, आप तीनों के साथ चर्चा को खोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात रख देता हूं कि हरीश रावत साहब, गणेश गोदियाल साहब, प्रीतम सिंह साहब, हर कोई अब दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाए जा रहे हैं जितने सीनियर लीडर्स हैं। तो क्या लगता है कि हरीश रावत को मनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा टॉप लीडरशिप की तरफ से, और क्या अगर वो मान जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उत्तराखंड कांग्रेस में, अगर वो नहीं मानते हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अनिल भास्कर साहब आपके पास। तो अनिल भास्कर साहब, कहा जाता था कि हरीश रावत साहब बहुत क्लोज हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके बहुत क्लोज हैं, राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं, हर जगह पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उन्हीं को भेजती थी, उन्हीं को आगे करती थी। पंजाब में चुनाव थे तो वहां पर भी प्रभारी हरीश रावत साहब को बना दिया गया, लेकिन हरीश रावत साहब ही नाराज हो जाएंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो ये जो क्लोजनेस की जो स्क्रिप्ट थी, क्या ये फेक स्क्रिप्ट थी? मैं पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, उसके साथ जो आपने कहा कि रावत जी हाईकमान और हाईकमान के ही नजदीक नहीं है, पूरे हमारे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के लोग अपने पूरे भारत के, मैं जो समझता हूँ जैसा मैंने देखा है या हमारे कार्यकर्ता भी हो, कोई गुरु
अपनी बात रखते हुए या अपनी प्रकार की कोई भावना है, सारी पीड़ाएं होती हैं, अपनी कोई भावना होती है, तत्काल रख लेते हैं। और प्रकार से बीजेपी के अंदर ऐसा होता है कि अपने अंदर पहले फोर्स है, फिर मुख्यमंत्री बनता जाता है, फिर एक महीने दूसरा फोड़ा बनता है, फोड़ा बनकर उसका मुख्यमंत्री आ जाता है। अरे आज सामने बात कर लेते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं होती, सरकार की हो। आपने कल के ट्वीट ऑडियो में माफी चाहूंगा कमलेश उनियाल साहब, ऑडियो में कुछ समस्या हो रही है, इस ऑडियो की समस्या को ठीक किया जाएगा। पीसीआर से अनुरोध करूंगा ऑडियो की समस्या का समाधान करें। उस तब तक मैं अनिल भास्कर साहब के पास आऊंगा, कमलेश उनियाल साहब के पास आऊंगा, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी से। तो कमलेश उनियाल साहब, आपको तो बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कांग्रेस के ऊपर पता नहीं कौन सा संकट आ जाता है, कौन सा उसे श्राप लग गया है कि जहां जहां चुनाव आते हैं वहां वहां समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में उत्तराखंड में सब कुछ तो ठीक चल रहा था, आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप अगर उत्तराखंड में उतरती थी, अगर हवाई जहाज उतरता था दिल्ली से उत्तराखंड में बीजेपी का, तो सबसे पहला जो हमला होता था वो आप हरीश रावत साहब पर ही करते थे। लेकिन अब तो हरीश रावत साहब ही नाराज हो गए, तो आपके तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, बैठे बिठाए पकी पकाई खीर आपके हाथ लग जाती है। जी कमलेश जी, चलिए ठीक है, शायद कमलेश उनियाल साहब के साथ जो हमारा संपर्क है वो टूट गया है। चलिए मनोज इस्टवाल साहब के पास आते हैं। तो मनोज इस्टवाल साहब, ये कौन सा श्राप लगा है कांग्रेस को कि जैसे ही लगता है कि यहाँ इस प्रदेश में सब कुछ ठीक है वैसे ही समस्या नजर आ जाती है। पंजाब कांग्रेस तो अभी सुलझा ही पाए थे, ठीक ठाक से सुलझा क्या पाए, नुकसान उठा के सुलझा है मामला। अब उत्तराखंड कांग्रेस, गोवा में आप देखिए 14-15 विधायक हुआ करते थे, आज एक दो ही बचे हैं, सब इधर से उधर हो गए। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी कांग्रेस ही शिफ्ट हो गई। तो ऐसे ये जो जाने का सिलसिला है, कोई इधर चला कोई उधर चला, वो ठीक था, लेकिन अब कांग्रेस में जब बड़े नेता इस तरीके से जाने लगे हैं तो कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में तो हरीश रावत सरीखे नेता, सबसे टॉप लीडरशिप वाले नेता, 2001 में जब कांग्रेस बाहर निकलती थी तो उसको चढ़ाने वाले जो नेता थे वो हरीश रावत साहब ही थे। तो जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया और उत्तराखंड कांग्रेस जब से अस्तित्व में आई, तब से हरीश रावत साहब ही थे जिसने इस पार्टी को ऊपर चढ़ाया बढ़ाया। लेकिन आज हरीश रावत साहब ही नाराज हैं। गोवा में 14-15 विधायक थे कांग्रेस के पास, आज एक दो विधायक बचे हैं। अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस शिफ्ट हो गई है। तो ये कौन सा श्राप लगा हुआ है कांग्रेस को कि जिसकी वजह से पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे पतन की ओर जाता जा रहा है। मनोज जी, एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए। अभी मैं ट्वीट पढ़ा था कैप्टन अरविंदर सिंह का, उन्होंने हरीश रावत जी को मुखातिब ट्वीट किया है कि यू रीप व्हाट यू सो, ऑल द डस्ट ऑफ योर फ्यूचर एंडेवर, आप जो बोते हैं वही पाते हैं। इसके साथ उन्होंने शुभकामनाएं दी हरीश रावत जी को, कंडीशंस के साथ रावत जी को शुभकामनाएं भी कंडीशंस के साथ हैं जी। और हरीश रावत जी के बारे में उनको जो पार्टी के बीच मतभेद चल रहा है वो असम से जोड़ के चल रहा है, वो हिमाचल से जोड़ के चल रहा है और उत्तराखंड से तो जोड़ के चल ही रहा है उनके और प्रदेश प्रवक्ता जो है उनके बीच का वो खाई साफ नजर आ रही है। वो जो एंट्री करने वाले जो पुराने कांग्रेसी भाजपा में गए थे जिनके बात हम रही थे कि वो दोबारा भाजपा कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं है, किशोर उपाध्याय के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, प्रीतम सिंह जी के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है। आखिर हम लोग चाहते क्या है, अकेले एक छत्र राज क्या हरदा को ये लगता है कि अगर दोबारा से कांग्रेस जिंदा हुई है उत्तराखंड में तो सिर्फ हरीश रावत उसके जिम्मेदार है। ठीक है,
सीनियर लीडरशिप की जहां तक बात है और जब राहुल के करीब की बात आप कर रहे थे, आज लगता है कि हरीश रावत जी से ज्यादा करीबी प्रीतम सिंह राहुल के हैं। जितनी बार भी जो भी घटनाक्रम दिखने को मिलता है उसमें यही लगता है कि प्रीतम सिंह राहुल के करीब पहुंचे हैं। अब सबसे बड़ी स्थिति जो असमंजस की स्थिति है इस समय, यकीनन वो गणेश गोडिया जी की लगती है जो पार्टी अध्यक्ष है, जिन्होंने बहुत शर्म बहुत परिश्रम किया है यहां तक कांग्रेस को लाने के लिए। उनकी जो अभी एक फोटो साझा हुई है हरीश रावत जी की और उनकी साथ में, तो लग रहा है कि वो उनकी मान मशक्कत कर रहे हैं कि यार मान भी जाओ, कब तक ये सारा सितम ढहता रहेगा चलता रहेगा। हरीश रावत जी की पृष्ठभूमि अगर नाराज हो रहे हैं या फिर एक क्षेत्र राज की बात करें, उत्तराखंड के प्रवेश में 2005 के आप प्रकार कोई नहीं भूला होगा जब पार्टी अध्यक्ष किशोर जी थे, किशोर उपाध्याय जी, उनको फोन करके ये कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, चर्चा चर्चा की आवाज आ रही है। चलिए ठीक है मनोज जसवाल जी, ठीक है यहाँ पर कुछ, हाँ ठीक है टेक्निकल कुछ समस्या है, ऑडियो से संबंधित है, इसको ठीक करेंगे। तब तक मनोज जसवाल साहब, चूंकि आप उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं, ऐसे में मनोज जसवाल साहब आपने जिक्र किया कि प्रीतम सिंह हुए, किशोर उपाध्याय हुए, जो काफी क्रिटिक हैं हरीश रावत जी के, लेकिन यही प्रीतम सिंह और यही किशोर उपाध्याय तो थे जो इनके बहुत बड़े समर्थक थे हरीश रावत साहब के। इनके पोस्टर लगाना, गाजे बाजे इनके पीछे घूमना, यही लोग तो करते थे, और समय के साथ परिवर्तन हुआ, आज ये लोग भी अपनी ग्रोथ कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये भी समस्या आ रही है कि हरीश रावत साहब को इस चीज से परेशानी हो रही है, या फिर परेशानी सिर्फ दिल्ली से है? नहीं, बिहाइंड द कर्टेन जो उनकी प्रॉब्लम है या फिर जो किशोर उपाध्याय या प्रीतम सिंह जी की प्रॉब्लम है, बिहाइंड द कर्टेन ये लोग सार्वजनिक तौर पे जो भी बोलते हैं कि भाई पार्टी को क्षति तो नहीं, हमारे व्यक्तिगत बहुत नुकसान हुआ और हरीश रावत जी के कारण नुकसान हुआ। आज जब हरीश रावत जो मीडिया रैंकिंग कर रहा है कि वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे हैं, अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि मीडिया ये आंकड़े लाता कहां से है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ऐसे में अगर क्या कहते हैं ये कहे कि साहब बिहाइंड द कर्टेन हरीश रावत जी की सोच क्या है, बिहाइंड द कर्टेन हरीश रावत जी की सोच सुबह में चर्चा कर रहा था। सबसे बड़ा सौदा उनके लिए वो बागी है जो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, बड़े चेहरे हैं, चलिए वो ज्यादा मेरे ख्याल से परेशानी पैदा करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो अनिल भास्कर साहब भी हमारे साथ हैं। अरे भास्कर साहब, ये सवाल दरअसल काफ़ी परेशान कर रहा है, उलझन में डाल रहा है। उलझन ये है कि उत्तराखंड में ये गुटों की लड़ाई है, गुटबाजी है, कि एक तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, एक तरफ हरीश रावत साहब हैं, और विधायकी के टिकट को लेकर ये मसला है कि प्रीतम सिंह साहब ज़्यादा नाराज़ हैं, किशोर उपाध्याय साहब इनके साथ बन नहीं रही हरीश रावत साहब की, इसलिए ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ है, या फिर दिल्ली से, जैसा उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली से साथ नहीं मिल रहा है, दिल्ली से वो कौन सा साथ है जो नहीं मिल रहा है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। जब हर चीज तो हरीश रावत साहब को दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साथ नहीं मिल रहा, तो वो कौन सा साथ है वो जो उन्हें चाहिए, ये थोड़ा समझाइएगा आप ही। मैं कहना चाहता हूं, तो पहले उन्होंने ट्वीट किया रोज मत सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला तो, लेकिन ऑडियो की प्रॉब्लम है, मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा भास्कर जी, मैं बोलता भी नहीं हूँ कभी बीच में, अगर कमेंट करने मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं शुद्ध विशुद्ध रूप से पत्रकार हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता कभी। चलिए ठीक है, ऑडियो पर ठीक है, ऑडियो को ठीक करने का काम करेंगे। तो हाँ जी जी जी, तो उन्होंने जो 3 घंटे वेट किया है उसको भी नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि हम जब अगर बात लेके बीच में जितना बड़ा कोंडा पत्ता है, बातें होती है,
अनिल जी, अनिल जी आप एक छोटा सा काम करिएगा अनिल जी, ठीक है अनिल जी, एक छोटा सा कार्य करिएगा, अपना जो ये ईपी है जिससे आपकी ध्वनि जो है यहाँ तक आ रही है, इस यंत्र को जरा ऊपर कर लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे आप ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल शानदार। हाँ हाँ ठीक है जी 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 तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी इस चीज को नकारात्मक ना लेकर के इसको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए कि हम लोग सामने खुले रूप में रखते हैं हमारी बात का, ऐसा नहीं कोई समाधान का पहला ट्वीट है वो इस बात को है कि कुछ बातें उनकी हुई होंगी जो उसमें वो सहमत नहीं होंगी और वो आप सहमत होंगे, जो बातें होंगी वो बैठ करके कौन हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो पीडीपी के साथ होता है अंदर अंदर जो लोग अनिल भास्कर साहब कुछ अनिल भास्कर साहब आप जो कह रहे हैं वो कुछ जच नहीं रहा, मतलब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जच नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि नकारात्मक रूप से मत लीजिए, अरे नकारात्मक रूप से कोई नहीं ले रहा है। दरअसल समस्या है ये अनिल भास्कर साहब कि आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता, प्रदेश के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि पार्टी नकारात्मकता फैला रही है, वो कह रहे हैं और कोई नहीं ले रहा है, आप दे रहे हैं। मैंने ये कहा है ना, वही कह रहा हूँ कि वो ट्वीट पहले का ट्वीट उनका संज्ञान में भी लेना, कहा कि वो मेरा एक रोज लिया तो उस चीज को मानना चाहिए जो तीन घंटे पहले, हम 12 घंटे पहले 24 घंटे पहले 3 घंटे पहले उसका संज्ञान नहीं, दोनों चीज को साथ में लेना चाहिए कहना है। आम आदमी पार्टी की बात है जितने लोग छोड़ गए चाहे आशुतोष गए भोग गए विश्वास गए भूषण जी गए उसमें चाहे हमें कुछ मिले हम दोनों बातें जनता के सामने तुरंत मीडिया हो या माध्यम चले ठीक है। दरअसल दरअसल टीवी पर जो टीवी है कि ठीक है टीवी पर जो बहस होती है उसका मतलब ये होता है कि जनता को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आए, तो ऐसे में थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि हरीश रावत साहब को दिल्ली बुलाया गया है, पार्टी के बड़े जो अन्य नेता हैं उनको भी दिल्ली बुलाया गया है, बात बनती है तो सब बढ़िया है सब चंगा है, बात अगर नहीं बनती है तो क्या विश्राम आपकी पार्टी देगी उन्हें? और अगर वो कहीं गलती से थर्ड फ्रंट बना बैठे, खुद की पार्टी बना बैठे, तो नुकसान को झेलने के लिए तैयार है कांग्रेस की नहीं है, ये बताइएगा। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो कांग्रेस को सुनने के लिए भीड़ आती है उसमें बहुत बड़ा रोल हरीश रावत साहब का ही है। देखिए जितना मैं जानता हूं रावत जी को, रावत और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि या वो विश्राम करने चले जाएंगे, अंतिम समय और अंतिम समय तक भी वो सेवा करेंगे और अपना जो साथ देंगे और जो अनुभव है उसका लाभ देंगे, साथ साथ में कांग्रेस का नहीं होगा, जिसके अंदर भावनाएं है जो उत्तराखंड को लेकर उनके अंदर वो जो बसी हुई है पेड़ पौधे के अंदर जिस प्रकार से लोग चीजों को जिस प्रकार उन्होंने अपने आप बनाया है तो दूसरे लोग नहीं पाए लोगों से बीजेपी की हो चाहे इसको एक बार हटा दीजिएगा आप, इसमें शायद कोई समस्या है, ईयर पीस को हटा दीजिए, फ्री कर दीजिए। आप जैसे कह रहे हैं ना कि हमारी पार्टी में हर कोई फ्री है बोलने के लिए स्वतंत्र है, वैसे इस ईयर पीस को भी आप स्वतंत्र कर दीजिए, सीधे आइए। तो मनोज उस्तवाल साहब जितना लबोलुआ मुझे समझ में आया जो अनिल भास्कर साहब ने भी बताया, उनका यह कहना है कि मान लिए जाएंगे मना लिए जाएंगे, तो पहले तो मेरा यही सवाल है कि स्थिति ही क्यों आई और ऐसी स्थिति क्यों आई कि हरीश रावत साहब जिनके लिए सोचना मुश्किल है आपके लिए भी हमारे लिए भी कि हरीश रावत साहब सरीखे नेता भी नाराज हो सकते हैं जो उत्तराखंड को अपनी कर्म भूमि जन्म भूमि सब कुछ मानते हैं उत्तराखंड कांग्रेस को,
और वो नेता अगर नाराज हो जाए, वो नेता अगर खुद कांग्रेस के खिलाफ ही ऐसी बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होना है, डिस्ट्रक्शन तो हो गया। अब ये चाहे हरीश रावत साहब मान जाएं, लेकिन कल परसों नरसों आने वाले 10 साल तक नेता इसी बात को उठाएंगे कि एक बार हरीश रावत साहब भी ऐसे नाराज हो गए थे, ऐसी ऐसी बातें कह दिया था, पार्टी आलाकमान पर ही सवाल दाग दिया था। तो अब जो वो है ना धागा, धागा टूट गया, गांठ तो बंध जाएगी, धागा तो दोबारा जुड़ जाएगा लेकिन गांठ रह जाएगी। मैं अनिल भास्कर जी की बात में आता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हरीश रावत कहीं नहीं जाने वाले, और एक सच भी है कि हरीश रावत कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस के लिए बने हैं और कांग्रेस में ही उनका जन्म हुआ और कांग्रेस में ही वो अंतिम समय तक रहेंगे, ये पूरी उम्मीद की जा सकती है हरीश रावत जी से, ये गारंटी ले लीजिएगा कि कहीं नहीं जाएंगे। उनका मैं ये ट्वीट पढ़ रहा था कल का, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि है ना अजीब सी बात, चुनावी समुद्र में तैरना है, सहयोग के लिए संगठन में ढांचा, अधिकतर संस्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये समुद्र में तैरना है। अब यही हरीश रावत जी 1.5-2 साल पहले जब इनको प्रीतम सिंह जी जब अध्यक्ष थे किनारा कर लिया था केंद्रीय संगठन ने, उस समय हरीश रावत जी बोल रहे थे कि मैं संन्यास ले रहा हूं। फिर जैसे ही अपने प्रीतम सिंह बदले गणेश गोदिया जी आए, गतिविधियां तेज हुई, प्रीतम सिंह जी ने वो भाई हरीश रावत जी ने वार्तालाप की कोई अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो राग भी छोड़ा, फिर सीट आया कि अपने क्या कहते हैं मैदानी भूभाग से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए मेरे पीछे। अब वो उनको लगता है कि कैंपेन के सरदार साहबा बनने के बाद इधर के जो बंटवारे हैं वो हरीश रावत की कलम से साइन होकर ही आगे बढ़े, मतलब सारा खेल दरअसल मनोज उस्तवाल साहब जितना मैं समझ पा रहा हूँ सारा खेल जो है वो महत्वाकांक्षाओं का है, सारा खेल ये है कि सब कुछ उत्तराखंड का करता धरता सब कुछ कांग्रेस का मुझे ही रखा जाए, हरीश रावत साहब का ये सोच है, ये विचार है उनका। और साथ ही साथ अब जब ऐसा नहीं हो रहा है तो डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और क्योंकि हरीश रावत जी को भी कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को भी हरीश रावत जी की जरूरत है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि यहां पर हार प्रीतम सिंह जी की हो जाए। सच्चाई यह है कि उत्तराखंड में हरीश रावत जैसा चेहरा कांग्रेस के पास है नहीं, और यह भी कहा जाए कि भाजपा के पास भी उनके समकालीन चेहरा है कि नहीं इस पर भी सोचा जा सकता है, लेकिन वो चेहरा है जिसने अपने पिछली पारी में जो कुछ उत्तराखंड के लिए किया है वो सब किया था, कुछ उनको अलग अलग कर दिया है, जो उनके सिंह सामने आए, जो उनकी कार्यप्रणाली रही है उनको लेकर हरीश रावत जी पे कई प्रश्न उठे हैं, और सच भी ये है कि आज वो जिस तरीके से दोनों चुनाव हारे थे अपने और गढ़वाल बदल के, ठीक है उसके बाद ये मेरा सिग्नल बार बार गोल हो रहा है, ठीक है। कमलेश उनियाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। कमलेश उनियाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आपकी आवाज आ रही है। ठीक है कमलेश उनियाल साहब, बड़ा जमीनी सवाल करता हूँ मैं, बड़ा मासूम सा मेरा सवाल रहेगा, इसका जवाब दीजिएगा जरा। हाँ आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। कमलेश उनियाल साहब, हरीश रावत साहब जैसे ही नाराज हुए, और बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि बैठे बैठाए आजू बाजू घरों में झांकते रहते हैं, जैसे ही कोई नाराज होता है लपक के उसको अपनी पार्टी में रख लेते हैं, तो ऐसे में जैसे ही हरीश रावत जी नाराज हुए लगातार खबरें आती रही, राजनीतिक पंडित कहने लगे कि आप शायद बीजेपी में चले जाएंगे। तो अगर नफे नुकसान की स्थिति में देखें तो ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को फायदा होगा, यकीनन फायदा होगा। अगर हरीश रावत साहब उत्तराखंड बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, यकीनन फायदा होगा, 100% फायदा होगा। लेकिन कई नेताओं के पेट में मरोड़ भी पैदा हो सकती है, वो क्यों? वो ऐसे कि मनोज उस्तवाल साहब अभी कह रहे थे कि हरीश रावत जैसा नेता बीजेपी के पास भी नहीं है। अब अगर हरीश रावत साहब
बीजेपी में चले जाते हैं, मतलब आपकी पार्टी में आ जाते हैं, तो जो महत्वाकांक्षी नेता हैं आपकी पार्टी में, जिन्होंने 20 साल खूब मेहनत की है दवा के, अब वो भी सोच रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का लड्डू जो है आपने इस 5 वर्षीय योजना में 3 बार बांटा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि इसका सुख वो भी भोग लें। लेकिन अगर हरीश रावत साहब आ गए तो कई लोगों के सपनों पर चोट लगेगी, ये समझाइएगा जरा। देखिए शिष्टवाल जी, तो हमारे बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और उनका अनुभव ठीक ही है राजनीति में। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, शिष्टवाल जी की बात से तो खैर मैं क्या बोलूं, लेकिन हरीश रावत का अगर पूरा कालखंड देखेंगे तो 2020 या 22 के बाद या 2004 के बाद जब भी ये द्वितीय चुनाव में आए थी कांग्रेस, और हमारे उसमें नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी तब से लेकर के, और विजय भोगड़ा के कालखंड में या ये हमेशा इनकी हट धर्मिता रही है, और इन्होंने हर सरकार को चलने नहीं दिया अपनी सरकार को भी, और हमेशा इनकी अपनी डिमांड रहती है और ये निरंतर चली आ रही है इनकी डिमांड कि साहब ये है ये, खैर ये तो इनके अपने संगठन का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हरीश रावत जी की स्थिति आज की अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं संज्ञान में हो गया है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, तो जो उनके बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको किनारा करने की कोशिश की है, और उसी किनारे करने के कारण आज हरीश रावत इनकी तरह इनसे रुष्ट होकर चले गए। और ये हरीश रावत की बात नहीं कर रहा, पंजाब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी है और अपना अपनी पार्टी बना रहा है, तो ये आज कांग्रेस एक खुद डूबता हुआ जहाज है। ठीक है आप, और कोई भी ये नहीं चाहता। मैं अपना एक बार सवाल रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा जो बहस है वो डीरेल हो रही है, मैं अपना सवाल जो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। हरीश रावत साहब कांग्रेस से नाराज है, ठीक है, ये सवाल जवाब हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नाराज होकर, दो ऑप्शन है उनके पास अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो खुद की पार्टी बनाएंगे, उत्तराखंड स्तर की, प्रदेश स्तर की एक खुद की पार्टी बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बीजेपी में जाएंगे। अब अगर जो बीजेपी वाले हैं उनकी स्थिति में अगर मैं आकर खुद को सोचूं तो ये पाता हूं कि अगर वो खुद की पार्टी बनाते हैं प्रदेश स्तर की तो आपको भी नुकसान होगा, तो ऐसे में फायदा वहां होगा जब आप उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करा देते हैं, समाहित कर लेते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर नुकसान होगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने 20 साल मेहनत की है बीजेपी में और उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो अगर हरीश रावत सरी के नेता पार्टी में आ जाएंगे तो उन्हें कोई बड़ा पद तो देना ही होगा। अब वो बड़ा पद अगर आप हरीश रावत साहब को देंगे तो किसी ना किसी की जगह तो खाली करवाना ही होगी, तो जिसकी जगह खाली होगी वो रुष्ट होगा आपसे, तो ये कैसी दुविधा की घड़ी है आपके लिए, ये बताइए। देखिए हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी को पार्टी में लेना और देने का मैं तो एक प्रवक्ता हूँ, और पार्टी की जो यथा स्थिति थी आज की स्थिति के हिसाब से तो कोई ऐसे वाला पुराना हो गया, ये वाला जानकारी है आपके में, जानकारी ये वाला थोड़ा पुराना हो गया कमलेश जी ये वाला थोड़ा पुराना हो गया है कि सवाल कोई ऐसा कर दो जिसका जवाब ना हो, तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक प्रवक्ता हूँ, ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है, तो पार्टी नेतृत्व के जरिए आपको कुछ तो पता होगा, आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता का मतलब ही है कि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप ही तो पक्ष रखेंगे। अरे ये तो अभी गर्व में बात है, पहले हरीश रावत जी क्या करते हैं उनकी अपनी सोच है, मैं तो उस बात को कहूंगा कि जो आज ये कह रहे हैं कि हमारे पेट में कुछ होती है या हमें मिर्ची लगती है, ये तो आज उनके कई ट्वीटों का इनका तो नौटंकी है हरीश रावत जी की। अब वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आएंगे तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा संगठन के प्रति समर्पित है। इससे पहले आपने देखा हुआ जो चौबट्टा खाल का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जिसमें तीरथ सिंह रावत जी का टिकट काट करके सतपाल महाराज जी को दे दिया गया था, लेकिन हमारे यहाँ कोई बागी नहीं जाता, कोई अपनी पार्टी नहीं बनाता, ये तो कांग्रेस की परंपरा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में अगर आ भी जाते हैं या अपना दल बनाते तो बात की बात है, लेकिन अगर उसके आंकलन में क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा इसके संदर्भ में तो मैं भी क्या कह सकता हूँ आपसे, मैं यही तो बात रख रहा हूँ आपके आगे। चलिए ठीक है, समझ गया मैं। अनिल भास्कर साहब, मैंने जो सवाल इनसे किया वैसा ही कुछ सवाल आपसे करता हूँ,
कि हरीश रावत साहब दिल्ली पहुंचे, मीटिंग हुई, मना लिया गया, और अगर वो नाराज हैं और दिल्ली बुलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं समस्या ये होगी कि जो विधायकों को जो टिकट देने हैं, जो कैंडिडेट्स घोषित करने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा सब कुछ। तो अगर उसको लेकर मना भी लिया जाता है तो खाई तो दरअसल बढ़ेगी ना कि हरीश रावत वापस उत्तराखंड आ जाएंगे, लेकिन जो दूसरा गुट है, सो कॉल्ड दूसरा गुट, वो तो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। देखिए पहली बात तो मैं जो उंगली ऊपर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ शानदार, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि रावत जी कहीं नहीं जा रहे हैं, जो थोड़ी देर सवाल किया और जवाब सुन लिया, रावत जी कहीं नहीं जा रहे हैं, अंदर रखेंगे संगठन में, सामने रख दी जो भी उनके भाव में रही, तो उन्होंने आज ही उस चीज को फॉर्मल कर दिया। बात यह है कि रावत जी को रावत जी निश्चित रूप से कहता है कि बात नहीं है, जैसा थोड़ी देर पहले इस्पाल जी कहा शायद कि अभी उनके कोई नेता नहीं है, तो ये बात हम लोग करते हैं और ये भी बात को हमें अच्छे से मालूम है कि काम करने का बड़ा कहीं और है, ना कोई नया थर्ड फ्रंट बन रहे हैं, ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर कहां पर कमी थी जो नाराज हो गए? देखिए बात जब मंत्री बनाया गया था उस बात में भी कमेटी से नहीं थे, मतलब कहना चाहता हूँ आवाज की समस्या हो रही है, इसको निकाल दीजिएगा, बीच बीच में काट रही है। ठीक है, अब बात रखिए। हाँ अब बात रखिए। नहीं, नेटवर्क की ही समस्या आपके नेटवर्क की समस्या है अरिंद जी। चलिए ठीक है, मनोज जसवाल साहब आप ही के पास आ जाता हूँ, हालांकि आवाज क्लियर ना होने की वजह से समझ में ज्यादा चीजें नहीं आ रही, लेकिन भाव भंगिमा कई दफा बहुत कुछ कह देती हैं। भाव भंगिमा शब्दों में नहीं होती लेकिन काफी कुछ बयां कर देती हैं। तो मनोज जसवाल साहब आप भी कुछ समझ गए होंगे कि अनिल भास्कर साहब आवाज तो नहीं आ रही लेकिन कहना क्या चाहते हैं, दिल में क्या कुछ है? अनिल भास्कर साहब बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि अगर ये दो फाड़ हुई बातें असंतुष्ट माने नहीं तो कांग्रेस को फिर से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये लाजिम सी बात है। देखिए इस समय प्रीतम सिंह भी पूरी तरह से बाहें जड़ाए हुए हैं, उनको भी पता है कि अगर हरीश रावत को फिर फ्रंट पर रखा गया तो उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठेंगे और उनकी राजनीति पर भी सवाल उठेंगे। अब उनके गुट के लोगों की जो टिकटें कटेंगी, जो उनके साथ जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे, मुर्दाबाद के नारा लगा रहे थे, तो वो भी स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए धर्म संकट होगा, उनको उनके लिए भी जवाबदेही होगी कि वो संघ के साथ ही जिन्होंने प्रीतम सिंह जी को उनके अध्यक्ष बनने के बाद सहयोग दिया है वो पीछे छूट जाएंगे। मतलब मनोज जसवाल साहब ये थोड़ा समझेंगे कि ये जो प्रीतम सिंह जी हैं, जैसे पंजाब में जो सिद्धू भूमिका निभा रहे थे, क्या उसी भूमिका में है प्रीतम सिंह जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रीतम सिंह राजनीतिक रूप से इतना ज्यादा कुछ बोल लेके नहीं चलते, ये मुझे भी पता है। प्रीतम सिंह की राजनीति शालीनता पूर्वक निकली है उनकी राजनीति अभी तक, और उनकी राजनीति में ये बांटने गठजोड़ वाले अभी तक गुण दिखाई देते हैं कि हाँ इसको बांट उसको बांट तब राजनीति कर। तो वो राजनीति के रूप में उन्हें सीधा सिंपल फंडा ये था कि अब जब वो पार्टी अध्यक्ष बने तब पूरा उत्तराखंड जाने लगा, उससे पहले उनको एक क्षेत्र विशेष जानता था प्रीतम सिंह जी को, और जबकि उन्होंने बहुत साल राजनीति की है, ऐसा नहीं है। गुलाब सिंह जी का
उनके जो पिताजी थे गुलाब सिंह जी, उनका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा रहा और बहुत चर्चित भी रहा। प्रीतम सिंह एक सज्जन व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में अपने चक्रता क्षेत्र से दारोमदार संभाले हुए हैं। प्रीतम सिंह जी से जी 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 बात रखी बात। बहुत मुश्किल उनको एक विराट चेहरा मिला पूरे प्रदेश भर में। प्रीतम सिंह की एक अलग पहचान बनी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ना अपने कुमाऊं मंडल के विधायकों पूर्व विधायकों को नाराज करेंगे, ना गढ़वाल मंडल के अपने चहेते को नाराज करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि वो जिन टिकटों पे उनकी जो लिस्ट तैयार होगी उन पर ये चाहेंगे कि 100% उनको। जी जी कमल जी आपकी आवाज आ रही है, ठीक है चलिए। तो ये सारी चीजें हैं, किसी झंझावत में उलझी हुई है पूरी कांग्रेस। और आज शायद पार्टी हाईकमान हो सकता है कि मोदी साहब ऐसे कठोर निर्णय ले। बिल्कुल मनोज अग्रवाल जी आज सुबह ही, हाँ बिल्कुल आज मनोज अग्रवाल जी आज सुबह ही मैं सुन रहा था प्रीतम सिंह जी को, तो प्रीतम सिंह जी से जब सवाल किया गया कि ऐसे ऐसे हरीश रावत जी नाराज हैं आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन कहते जरूर हैं ये सब, लेकिन पीठ पीछे बातें चलती हैं कि एक्शन दरअसल कुछ और कहते हैं। साथ ही साथ मीडिया इंडस्ट्री जो है, दिल्ली की जो मीडिया है, इसमें उड़ती हुई एक खबर आई है जिसको हम और आप आम भाषा में सूत्र बताते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 जनवरी को शायद हरीश रावत जी खुद की एक पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो अगर हरीश रावत जी खुद की पार्टी बनाते हैं पंजाब में, जैसे कैप्टन अमरिंदर साहब ने बनाई है, ऐसे में उत्तराखंड की अब जो सियासत है वो किस तरफ जाते हुए दिख रही है? ये देखिएगा, अगर वो खुद की पार्टी बनाते हैं तो इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेके, हो सकता है डिले भी हो सकता है, हो सकता है चुनाव में वो अपनी पार्टी उतार ना सके। वो इस समय जैसे कल की एक फोटो साझा हुई थी, उत्तराखंड क्रांति दल के सीनियर लीडर्स के साथ बैठे हुए नजर आए, और फिर उससे पहले भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रीतम सिंह रावत जी के जन्मदिन पर उनको कुछ कुछ देने गए। वो एक्चुअली यही उनकी प्रेजेंट पॉलिटिक्स है, वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, नहीं छोड़ेंगे मानना है। अनिल भास्कर साहब, मनोज अग्रवाल साहब समझा रहे हैं कि कांग्रेस तो नहीं छोड़ने वाले हरीश रावत साहब, लेकिन नुकसान कर दिया है आपका, और जो मगरमच्छ बताए हैं, अगर आप क्लैरिटी दे दें कि वो मगरमच्छ कौन से हैं, तो वो मगरमच्छ समझा दीजिए कि वो मगरमच्छ कौन है, तो एक बार क्लियर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। पहली बात तो ये नहीं, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि रावत जी इस प्रकार का कोई कदम उठाएंगे, और ना ही वो कोई थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं, ना ही कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और ना ही वो अभी आज उस स्थिति में है कि नाराज होने की स्थिति में। अभी तो आपको भी नहीं पता है, आज तो आज पहुंचे हैं दिल्ली, अब मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद पता लगेगा ना। नहीं अभी 1 घंटे पहले हरिद्वार में ही थे, हाँ पहुंचेंगे रात में, बात ठीक है आपकी, तो लेकिन ऐसी कोई घटनाएं नहीं होने जा रही है जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ये एक प्रकार से जिसे हमारे यहाँ एक जो आपने कहा कि बोलते हैं कि आपने बताया सूत्र बताते हैं, तो सूत्रों की खबरें हैं, कई बार सूत्र गलत भी होते हैं और सूत्र कई बार हवा में भी छोड़ दिए जाते हैं, वो आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो ये हवा में छोड़े गए सूत्र हैं कि जिस प्रकार से एक जो चुनावी समय चल रहा है उसमें गफलत एक बना के रखी जाए, ऐसी कोई घटना नहीं होने जा रही है। गफलत तो आपकी पार्टी के सीनियर लीडर बना रहे हैं ना, कोई और तो नहीं बना रहा। मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ गफलत नहीं बनाई जाती, हमारे यहाँ कोई बात होती है जनता के सामने रख दी जाती है, है ना, उसको आप लोग गफलत मान लें या दुनिया गफलत मान लें, सब लोग गफलत मान लें, ये बात सही है। हम लोग बीजेपी की तरह से अपनी बात को छुपाते नहीं है, ये हमारी गलती मान लीजिए, हमारी अच्छाई मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं आप। अच्छा। तो हम लोग सबको सामने परिवार मानते हुए सबके सामने अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, अपनी भावनाओं को रखते हैं। यही बात मैंने पहले कही है, यही बात मैं अभी कह रहा हूँ। भावनाओं को रखते रखते कई नेता चले गए, भावनाओं को पीड़ा को रखते रखते आपने इतनी स्वतंत्रता दे दी कि कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए, और अब बाहर निकलेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो नेता है उनके अंदर कांग्रेस नहीं बची है। देखिए जो लोग छोड़ करके गए हैं, मैं उनके साथ भी जुड़ा रहा हूँ, उन्होंने कभी कोई बात अपनी जनता के सामने या हाईकमान के सामने सही तरीके से नहीं रखी कभी भी। उन्होंने एक प्रकार G23 वालों ने तो रखी थी ना,
नहीं तो G20 वाली जो बातें हैं मैं अभी बता देना चाहता हूं, उसमें अगर मान लिया हाई कमान ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जी को कि आप जाइए उसमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खड़ी करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, तो कोई गलत बात है क्या? इतने बड़े नेता को अगर कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी यूपी आके संभाल सकती है तो वो क्यों नहीं संभाल सकते जब वो इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद वो वहां पे मेहनत कर रही है। तो अगर मान लिया कोई आराम करना चाहता है और वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे लिए काम हो तो उसके लिए भी गलत है ना। तो ऐसा नहीं कि हर जगह हाईकमान ही गलत है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, लेकिन हाईकमान भेजता है, आप कह रहे हैं कि उनसे कहा गया कि जम्मू कश्मीर पहुंचिए, व्यंगात्मक रूप में लिएगा इसको कि आपने पंजाब में भेज दिया हरीश रावत जी को कि सुलझा लीजिए, वो पंजाब चले गए नाव को बचाने, वापस आए तो देख रहे हैं कि उनकी नाव डूब गई, चारों तरफ मगरमच्छ है, तो ये भी तो समस्या है। नहीं नहीं उसमें रावत जी की बात नहीं है, उसमें हाईकमान ने अमरिंदर सिंह जी को बुला करके बोला था कि आपने जो वायदे किए थे, चुनाव आने जा रहा है सर पे और आप उनको अभी तक आपने लागू नहीं किया कई सारी बातों को, उसमें निश्चित रूप से जो अगर आप सच्चाई पे जाएंगे तो ये वाली बातें उसमें सामने आती है। मतलब अमरिंदर सिंह स्वतंत्रता से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो तो स्वतंत्रता से थे ना, तभी तो वो बोल सके, आपकी पार्टी में बोलने का तो अधिकार सबको है, आप जैसा बता रहे हैं नहीं परिवार है, खुलकर बोले। अगर स्वतंत्र नहीं होते तो वो चार साढ़े चार साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाते, उसमें पहले से इनसे लागू होता कि हाँ नहीं आप वही काम करेंगे जो हाई कमान का डंडा होगा, जैसे अभी मोदी जी का डंडा होता है सभी मुख्यमंत्री के ऊपर, वही बात बोलेंगे जो मोदी जी बोलेंगे, वही बात बोलेंगे जो अमित शाह बोलेंगे, वही बात होगी जो आरएसएस बोलेंगे। अब अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत जी के लिए कहा है कि एज यू शो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, समझ गया मैं। देखिए वो बातें अलग हैं, वो अलग बात है, अब आज की तारीख में वो एक जिसे कहते हैं विपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं, सामने खड़े हैं, तो वो उस बात को कहेंगे जैसे भी है, लेकिन अमरिंदर सिंह जी को अपने हम लोग भी वहां के संपर्क में होते हैं, यार दोस्त हमारे भी हैं, राजनीतिक संबंधों में भी हैं, जो लोग इस बात को बोलते हैं कि अमरिंदर सिंह जी ने जो वायदे किए थे शुरू में एक साल अच्छा काम किया, उसके बाद वो कहीं ना कहीं से डिरेल हो गए, तो अगर मान लिया हाईकमान ने बुला करके उनको कहा कि आप उस प्रकार से काम कीजिए जो पार्टी की नीति है, जिसपे जो हमारा एक मैनिफेस्टो होता है, जो हमारे वायदे होते हैं, जो कार्यशैली होती है, उसके अनुरूप काम कीजिए, तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं बादल साहब को बचाने के चक्कर में, किसी और को बचाने के चक्कर में दाएं बाएं की बात करनी शुरू की, तो उस चीज पे बातें जो थे वो ऐसा नहीं कि हाईकमान की ही गलती है, कुछ लोग हैं जो खींच रहे हैं, सीधे बोलिए कि सिद्धू साहब थे, झगड़ा हुआ था, गुटबाजी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, ठीक है, कहां आप कहां ले जा रहे हैं, कहीं की कहीं का रोड़ा, मैं भानुमती ने कुंबा जोड़ा, वो वाली आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मैं सही जगह लेके जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे जबरदस्ती ये कहलवाना चाहते हैं कि हाईकमान की गलती नहीं, बाकी सब लोग ठीक है। नहीं नहीं हाईकमान की गलती नहीं बता रहा, हाईकमान की गलती मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नेताओं को अब जैसे कि राहुल गांधी साहब बुलाएंगे दिल्ली, अब राहुल गांधी साहब बैठकर मीटिंग करेंगे, अगर ये मीटिंग पहले ही हो गई होती तो ज्यादा ठीक रहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो चर्चा है आज, किसी तरीके की कोई गर्मा गर्म बहस नहीं, चर्चा है, हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, हम भी चर्चा, ठीक है, तो ये चीज पहले भी हो सकती थी कि राहुल गांधी साहब अगर पहले बुला लेते तो वो नुकसान नहीं होता जो आपको वैचारिक नुकसान हो गया है, वो नुकसान ऐसे हुआ है कि जो ट्वीट है वो सभी ने संभाल के रख लिए, अब वो समय समय पर दिखाए जाते रहेंगे। मनोज अस्टवाल साहब गलत कह रहा हूं तो बताइए। हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ बातें होती हैं, तो ऐसा नहीं कि आज मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं पांच दिन पहले आपको बताऊंगा, आज होगा ना तो मैं आपको आज ही बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, हरीश रावत जी ऐसा थोड़ी ना है कि हरीश रावत जी सो के उठे उनको लगा कि ठीक है अपमानित हो गए हैं मगरमच्छ आ गए हैं तो ट्वीट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, समय लगता है काफी समय, लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए और देवेंद्र यादव ने उनके पोस्टर हटवा दिए। नहीं नहीं पोस्टर वो वाली बात नहीं थी, उसमें कुछ और चीजें थी, है ना, उसमें मैं दूसरी बातें कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कल ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने आज भी ट्वीट किया है ना, उन्होंने कल अगर कोई अपनी भावनाएं रखी तो आज उन्होंने उसको भावनाओं को साफ साफ कह दिया कि वो मेरा एक नॉर्मल ट्वीट था मेरा, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो जितनी गंभीरता से मीडिया ने ले लिया, गंभीर ये उनकी बात, गंभीर नेता है, बड़े नेता है, उसको तो गंभीरता से लेंगे ही ना मीडिया वाले, ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो उन्होंने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया, जो बात आप 5 तारीख के लिए बोल रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो एक प्रकार से फुल स्टॉप लग गया ना उस पे, उस मैंने क्या कहा आपको, आप समझे नहीं मेरी बात, जो कल ट्वीट किया गया है वो संभाल के रख लिया गया है, आज वाले ट्वीट से कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं गंभीरता से ले रहा है कोई, कल वाले ट्वीट को गंभीरता से ले लिया गया है, समझे आप,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब कोई पड़ोस में किसी की मजाक बनानी होती है तो उसकी अच्छाइयों के बजाय बुराइयों को या किसी गलतियों को, और जब बीजेपी पड़ोसी हो, जब बीजेपी पड़ोसी हो तब तो और सतर्क रहने की जरूरत है। वो तो आजू बाजू झांकते ही रहते हैं कि जैसे ही कोई नाराज हो उसको पकड़ के अपने आप बुला लेते हैं। नहीं, अगर हमें पता है कि बाकी लोग अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हैं तो हम एक पड़ोसी के चक्कर में थोड़ी अपनी अपनी आदत बदल देंगे। हम अपना जो नेचर है वो पब्लिक के साथ मिलकर के रहने का बना के रखेंगे, सच्चाई का बना के रखेंगे, झूठ बोलना नहीं सीखेंगे, गलत बोलना नहीं सीखेंगे, है ना। क्योंकि हम जो जो राजनीतिक पार्टी है उसका मतलब सिर्फ अपने राजनीतिक परिवार से नहीं है, उसका समाज से है, उसका देश से है, उसका राज्य से है। तो उत्तराखंड का जो भी निर्णय होगा उत्तराखंड के सामने होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल लेता हूँ, फिर मनोज जसवाल साहब पर आएंगे, इसी सवाल को विस्तार रूप से जवाब पे चर्चा देंगे, मनोज जसवाल साहब भी बताएंगे। अनिल भास्कर साहब, हरीश रावत जी को दिल्ली बुलाया जाता है, मान मनोबल होता है, राहुल गांधी साहब बैठते हैं, सोनिया गांधी जी बैठती हैं, मनाया जाता है, वो मान जाते हैं, लेकिन डिलेमा है, दुविधा है, अभी भी दुविधा ये है, धर्म संकट ये है कि अगर हरीश रावत जी मानेंगे तो प्रीतम सिंह कहीं ना कहीं नाराज होंगे ही होंगे। हरीश रावत जी अगर मानेंगे तो देवेंद्र यादव जी का जो पद है वो कहीं ना कहीं छिटका जरूर जाएगा। हरीश रावत जी को अगर मनाना है तो इस गुट को नाराज करवाना है, तो ये दुविधा है। आप इस बात को सुबह तक सोने दीजिए, उसके बाद इस पे चर्चा कर लेंगे। अभी तक जो बात हुई नहीं उसको कैसे कयास लगाएं? जब वही सब चीजें ठीक है, अभी प्रीतम सिंह ने आप ही ने बताया कि प्रीतम सिंह ने कहा है कि वो मेरे बड़े नेता है, तो निश्चित रूप से उनको मान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब सब चीजें जब नॉर्मल है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें कोई बैठ करके हरीश रावत जी कहते हैं कि कांग्रेस मेरी माँ है, प्रीतम सिंह जी भी कहते हैं कि कांग्रेस मेरी माँ है। अब दोनों ही आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों भाई। अब जिसकी तरफ माँ झुकती है, जिसको माँ उठाती है लाड़ प्यार से, तो दूसरा तो नाराज हो ही जाएगा ना, समस्या तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कल को प्रीतम सिंह जी ऐसा ट्वीट लिख देंगे फिर आपकी बात में, वही आपकी बात का ही जवाब देना चाहता हूँ। अच्छी बात यह है कि उसके माँ के अगर दोनों बच्चे आपस में उनमें कोई संवाद होगा तो उनमें विवाद भी होगा, और अगर उनमें विवाद नहीं हो रहा इसका मतलब संवाद नहीं है, तो इसका मतलब उनमें संवाद भी है और उनके रिश्ते जीवित भी है, मरे नहीं है, और इसका मतलब वो लोग कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए करना भी चाहते हैं, तभी उनमें कोई बात में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो लोग उनके संवादहीनता नहीं है। तो ये बात आपके सामने, आप ही की बात पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जब एक माँ के दो बेटे हैं तो वो आपस में अगर उनमें आपस में घर में अच्छा तभी लगता है जब उसमें हंसी खेल लड़ाई झगड़ा सब आपस में चलता रहे, लेकिन अंत में सब ठीक रहे। तो ये सब चीजें चलती रहती है, परिवार है एक हो जाएगा, ठीक है, अंत में सब ठीक रहे। मनोज जसवाल साहब, मेरा यही सवाल था कि अगर एक को मना भी लिया जाता है तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? वो राम मखन का एक गाना है कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है फल कर्मों का। तो वो सुख दुख की जो श्रेया है, अरे बात के लिए हंस रहे हैं, लेकिन हुआ ये था कि उसी गाने में जो लखन था ना, वो लखन कुछ दिन के लिए दूसरी पार्टी में चला गया था, ये भी देखिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस हाईकमान के लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय ये जितना भिंगा मुस्ती सोशल साइड पर चल रही है और भिंगा मुस्ती के प्रकार कांग्रेस के आ रहे हैं, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद अफेयर सा महसूस कर रहा होगा। जो चुनावी उसमें समर में ताल ठोके कह रहे थे कि समय कांग्रेस सरकार पूर्णतः बहुमत में आ रही है और कांग्रेस सरकार बनाने को बिल्कुल तैयार है, यकीनन इस सारे प्रकरण से बहुत मनोबल टूटा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जितने भी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है व्यक्तिगत पत्रकार के रूप में। तो ये संभालने के लिए पार्टी कैसे, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल निकट है, आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में ये तीन जो भैंसों की लड़ाई समझ लीजिएगा उसका क्या निकलेगा। उधर किशोर उपाध्याय जो पूर्व अध्यक्ष है, प्रीतम सिंह जी पूर्व अध्यक्ष है, आखिर ये गुत्था पूर्व अध्यक्षों के साथ क्यों हो रही है? हरीश रावत जी की मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या हित की लड़ाई है या फिर पार्टी में ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है, ये समझना होगा। बहरहाल ये सच भी है कि इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से राजधानी देहरादून में भीड़ उमड़ी थी वो
राहुल गांधी के लिए उमड़ी होगी ये मैं कह नहीं सकता, ये यकीनन एक संकेत था कांग्रेस के लिए उसे बुलाने के लिए, भीड़ को देखते हुए ये लग रहा था कि वास्तव में ये भीड़ भाजपा के माथे पर पसीना लाएगी। लेकिन अब के प्रकरण में जो ऊर्जा और जो चेहरे पे चमक भाजपाई नेताओं की दिख रही है वो अपने आप में जुल्म है। वो शायद इन्होंने कोई मदद मांगी थी कि ऐसा कुछ हो पार्टी के अंदर कांग्रेस के अंदर, वही समस्या मनोज जसवाल साहब। कल परसों आप राज्यसभा का वो प्रकरण भी याद होगा जब जया बच्चन जी बीजेपी के नेताओं को श्राप दे रही थी, तो उसी श्राप से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कौन सा श्राप लगा है कि जहां जहां चुनाव होने होते हैं मजबूत स्थिति में नजर आ ही रही होती है, अब लगता है कि ठीक होगा तब तक सब कुछ एकदम पलट जाता है। उत्तराखंड में और एक्टिव थी कांग्रेस, उत्तराखंड में रैलियां हो रही थी आज दोपहर में मैं ब्यूरो चीफ है हमारे सुभाष गौड़ साहब से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही थी, रैलियों में भीड़ दिखने लगी थी, लग रहा था कि ठीक है सब कुछ ठीक है, हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव बढ़िया जा रहा है कांग्रेस का। लेकिन एकदम से माहौल पलट गया, एकदम से जिसके नेतृत्व में कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही थी अब वही नाराज हो गया। तो ये कौन सा श्राप लगा हुआ है कांग्रेस को जो ये दुख है ये खत्म ही नहीं हो रहा। अब देखिए ना, ये खराबी कहेंगे कि कल तक जितनी गलतियां कांग्रेस के द्वारा प्रदेश स्तर पे हुई थी वो फिर से कुनकुनाने लगी है, दोबारा से फिर से लोगों की दिलो दिमाग में आने लगी है कि अरे ये तो वही कांग्रेस है। बहुत संबल स्थिति में आ गई थी कांग्रेस और यकीनन इसमें हरीश रावत जी की भी मेहनत है, लगातार रात दिन वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने झेला नहीं है, बहुत झेला इन 5 सालों में, बहुत सारे प्रश्न उनके विरुद्ध खड़े रहे लेकिन वो शालीनता से अपने कामों में आगे बढ़ाते रहे और कांग्रेस को मजबूती देने में उन्होंने बड़ा क्या कहते बड़ी कोशिश की है। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम इस दौरान किया था, उन्होंने दो ऐसे चेहरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाए, चाहे वो अपना प्रीतम सिंह रहे हो या फिर गणेश गोदियाल रहे हो, जो जनता की नजर में साफ सुथरे चेहरे थे, उसके कारण कांग्रेस आगे बढ़ी थी। और ये हरीश रावत जी भी जानते थे कि ये चेहरे अगर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस मदद की तरफ बढ़ेगी, लेकिन फिर वही गफलत हो गई और उसी गफलत से फिर से उलझ गया है पूरा समीकरण जो कांग्रेस का था। जो रुझान कल तक मीडिया के माध्यम से मिल रहे थे एकाएक हरीश रावत जी के इन ट्वीट के कारण, वो ग्राफ जैसे वो शेयर मार्केट गिरता है ना उसी तरीके से वो ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि ये विवाद सुन गए और कांग्रेस फिर से नेक टू नेक फाइट में आए। कहां कांग्रेस 2-4 दिन पहले तक सरकार बना रही थी, आज कांग्रेस फिर से कुछ क्यूटियन से लेकर कुछ आपसी मतभेदों को लेकर अंतर मतभेदों को लेकर ठीक है। चूंकि मनोज उस्तवाल जी आप उत्तराखंड की राजनीति को बड़े करीब से देख चुके हैं, जान चुके हैं और उत्तराखंड जब से 20-21 साल से है तब से आप राजनीति को समझ रहे हैं, मनोज उस्तवाल साहब ये जानना चाहूंगा ये जो पूरा प्रकरण है हरीश रावत की नाराजगी का जो पूरा प्रकरण है इसमें समस्या कहां मान रहे हैं आप? समस्या हरीश रावत जी खुद हैं, स्वयं समस्या है, या फिर प्रदेश कांग्रेस जो है वो समस्या है, या फिर पार्टी आलाकमान दिल्ली ये समस्या है? तीनों में से समस्या क्या है? देखिए, पार्टी आलाकमान दिल्ली के नाम से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो यकीन मानिए वो 15 से ऊपर सीटें ला जाए तो ये भी गनीमत होगी। अच्छा ठीक। प्रदेश कांग्रेस ने बहुत मेहनत की इस समय यहाँ तक पहुंचने के लिए, मैं ये सिर्फ प्रदेश कांग्रेस को दूंगा कि प्रदेश कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है चुनाव तक अपने को बनाए रखने के लिए, वरना राहुल बाबा ने तो ये कह दिया था कि भाई वो मीडिया के पास नहीं जाए, कोई प्रवक्ता मीडिया पे भाषण नहीं देगा और इसका नफा नुकसान पूरी कांग्रेस को हर जगह हुआ, नुकसान ही उठाना पड़ा क्योंकि जब मीडिया से आप दूरियां बनाएंगे तो आपकी बातें कैसे कह देते हैं आप लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने मीडिया से बाहर आते हुए भी अपने को आगे लाने की जो कसरत की वो काबिल तारीफ है। ठीक है, प्रदेश को नुकसान होगा अगर
ये सारा कुछ होगा। ये झमेला मुझे नहीं लगता कि कुश्ती और को लेकर, मैं मानता हूँ कि ये जो टिकटों के बंटवारे को लेकर खेल होगा ना सारा इसी में है, क्योंकि कैंपेन के हेड रहे हैं अनिश रावत जी, और अनिश रावत जी हर समय ये चाहती है कि जो टिकट बंटे तो उनके हाथों से बंटे। ठीक है, अब ऐसे में मनाना मान मनो करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक जो अंदर खाने जैसे आरएसएस संगठन ढांचा है भाजपा का, मुझे लगता है कि ऐसी एक एजेंसी कांग्रेस ने भी गुप्तचर विभाग की एक बना ली है अपने कार्यकर्ताओं की, जो रिपोर्ट पेश करता है, तभी ये समस्याएं आई है कि सिर्फ हरीश रावत ही क्यों, अन्य क्यों नहीं। ये मेरे ख्याल से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस की है उसने सोचा है और इसी को लेकर ये बातें आगे बढ़ रही है। ठीक है, अनिल भास्कर साहब जाते जाते आपसे एक सवाल करते हैं, और सवाल ये है कि होता क्या है, समस्या क्या होती है? हरीश रावत जी आपसे नाराज हो गए, हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस का आंतरिक मसला है, कांग्रेस का आंतरिक मसला है, लेकिन ये आंतरिक मसला नहीं है। हरीश रावत साहब उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से ये कह के गए थे, हालांकि वो व्यक्तिगत भी था, कि वो दलित चेहरा सीएम के रूप में देखना चाहते हैं उत्तराखंड कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से वो ये भी कह गए कि अगर अरविंद केजरीवाल 6 नए जिले देंगे तो हम 10 नए जिले देंगे। अब कोई पूछे उत्तराखंड कांग्रेस से, कोई पूछे खुद हरीश रावत जी से कि जो ये वादे कर दिए इनका क्या होगा, अब इन दावों का क्या होगा, अब इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं एक बात एस्ट्रोलॉजी की मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी हैं आप? हाँ, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हाई कमान की बात पे बोला था। हाँ। मैं वैसे उस बात को लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि वो विषय नहीं, थोड़ा सा 10-15 सेकंड में बताइएगा, समय की कमी। हाँ, हाँ, कि जो उन्होंने कहा कि मीडिया से हाई कमान ने बात करने के लिए मना किया, तो वो एक मजबूरी थी, और उसके बाद जब वो रोका गया तब जाकर के मीडिया ने थोड़ा बहुत समय कांग्रेस को देना शुरू किया है, वरना बीच में ये स्थिति थी कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका तक नहीं मिलता था। तो मैं उस बात को बहुत लंबी नहीं खींचना चाहता क्योंकि विषय से भटक जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होंगे, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई इस प्रकार की डिरेल होने जा रही है हमारी कोई भी रणनीति या नीति या भविष्य में कोई चुनावी बात या कोई कांग्रेस पार्टी, कोई डिरेल नहीं होने जा रही है, कोई पटरी से नहीं उतरने जा रही है, कोई भी ऐसा विवाद नहीं होने जा रहा है कि जिसको कि हम लोग सुलझा ना सके, कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है कि भविष्य में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उत्तराखंड का वो बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज जसवाल साहब और अनिल भास्कर साहब, इस शानदार, सुंदर, जबरदस्त और जिंदाबाद बहस के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये कार्यक्रम यहाँ खत्म हो रहा है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस की सियासी लड़ाई खत्म होगी, ये कल का दिन बताएगा, क्योंकि आज का दिन दरअसल भागम भाग में बिजी है, क्योंकि मंडली, बड़ी मंडली, बड़े नेताओं की मंडली उत्तराखंड कांग्रेस की, सब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पहुंच के मीटिंग होगी, ऑन टेबल होंगे, ऑन टेबल बात बनती है या बिगड़ती है वो सब आपको कल बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। शुक्रिया।